सर साहब मेरी शादी को 26 साल हो गए, लेकिन मेरे और मेरे शौहर की दिन रात लड़ाइयाँ हैं। कल भी रोजे के टाइम पे बहुत बुरी तरह हुई, कोई वजह नहीं होती मामूली। सर मेरी जिठानी है, उसका नाम हजारा है, उसकी माँ का नाम जमीला है। उसने इतना जहर भर दिया कि वो मेरे माँ बाप तक का नाम सुनना पसंद नहीं करता जी। इतनी नफरत है हमारे मियाँ बीवी के दरमियान। 27 साल हो गए सर, अब मैं थक गई। मैं क्या बेटी से ये बच्चों से बुरी तरह बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता जी। ये नफरत नहीं खत्म हो रही। उसने मेरा घर खत्म करने के लिए हर तरह का काम किया है, चिपली जादू, आदमियों को फोन करवा रही है, आदमियों को पीछे लगाया है उसने मेरे। मैं कब तक मुकाबला करूंगी? अच्छा ये क्या है? ये औरत कौन है हजरत साहब, मुझे ये बताएं। इसका इस्तेखारा करके ये जिस आदमी को चाहती है खराब कर देती है। अच्छा, जो मेरे इस्तेखारे में आता है वो मैं आपको बताता हूँ, और इंशाल्लाह आपका घर बसेगा, आबाद और शाद होंगे, बामुराद होंगे, बरकतें खैरें मिलेंगी, और आपको इंशाल्लाह ऐसी इज्जत मिलेगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। आप एक मैं यहाँ पे 3 साल हुए आई हूँ। आप एक काम करें, सूरत वस्समाए व तारिक की आखिरी जो आयत है ना, इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवाइदा, इसको आप बहुत तवज्जो से यकीन से पढ़ें, सारा दिन पढ़ें, इतना पढ़ें कि कोई जैसे पागल दीवाना है। और दूसरा ये है, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें, फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। बस ये 2 अमल कर लें। वैसे भी आप अबकरी के पहले बहुत से अमाल कर रहे हैं और उससे माशाल्लाह आपने पाया है और बहुत हासिल किया है। लोगों को अबकरी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा।